हाँ जी मालको, की हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज माय जीजू एंड ये रात से आए हुए हैं, बट हमारे घर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम पड़ गई है ग्राउंड फ्लोर पे। क्या हुआ? वो आपको जल्द बताएंगे। सो एज यूजुअल रूटीन मैं जा रहा हूँ जिम। वेलकम टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। दिस इज गेट फिट बाय साहिब। होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होगे। सो अब आपको सीधा मिलते हैं जिम में। सो गाइस हम आ चुके हैं जिम। अब मैं कार्डियो शुरू कर चुका हूँ एंड आज का जो वर्कआउट है वो है चेस्ट एंड ट्राइसेप का। सो आई विल शो यू अ ग्लिम्प्स कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करता हूँ। तो आज का वर्कआउट हो चुका है खत्म, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का। इस भाई ने हमारा शूट करा है वर्कआउट एंड थैंक यू सो मच फॉर शूटिंग माय वीडियोस ब्रो। अब हम करेंगे कार्डियो एंड उसके बाद चलेंगे घर। अब मैं आपको मिलूंगा घर में। तो हम घर आ चुके हैं। एक्शन। कहानी घर घर की। सो हमारा चिकन हो रहा है रेडी एयर फ्रायर के अंदर। इसके अंदर मैरिनेशन सेम चिकन टिक्का की लगी हुई है। सो लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा आता है, बिकॉज आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जब इसका फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है देन आई विल शो यू गाइस। तब तक के लिए आई विल गो टू टेक अ शावर। सो हमारे घर में आज बन रही है मक्की की रोटी और सरसों का साग बना है साथ में। आज मैं भी मक्की की रोटी खाऊंगा बट नॉट फ्राइड। सो मक्की की रोटी के अंदर ज़्यादा कार्ब्स भी नहीं होते। तो आज हम ये खाएंगे। सो मेरा चिकन हो चुका है रेडी। अब हो गया है खाना खाने का टाइम। साथ में खाएंगे मक्की की रोटी ते सरसों का साग। कैसा है जीजू सरसों का साग? अल्टीमेट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा एक बाइट खा के दिखा दो हमारे व्यूअर्स को सरसों के साग के साथ। डालो जरा साग पे नजर डालो। ये है साग, इसको यूं घुमाते हैं, वाइट बटन डिप किया हल्का सा और यूं मुंह में डाल दो। ये हरी मिर्च के ज़्यादा बहुत बढ़िया। हाँ उसके बाद मिर्चें जो लगे हैं वो एक्सेप्शनल। अपना अपना फ्लेवर। सो हमारा चिकन भी आ चुका हुआ है। अब हम भी खाएंगे खाना। साथ में खाएंगे मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। आई लव इट यार। सो गाइस मक्की दी रोटी और सरसों का साग मैं भी खाता हूँ। आई एंजॉय माई होम फूड। ब्यूटी। हमने पहले साग और मक्की की रोटी ट्राई करी। अब हम हमारी सास के हाथ के बने हुए आलू जीरे वाले विद सम धनिया ऑन इट। अच्छा a bite of puri. I'm trying it. देखते हैं कैसी लग बनी है. सुना है अंजू के पूरी आलू भी बड़े फेमस तो ये आलू पूरी की हमने बाइट बना ली है. आई एम लुकिंग फॉर सम अचार ड्राई बट है नहीं, तो हम खा के देखते हैं. क्या ख्याल है आपका इस बारे में? इस बारी तुलना ही नहीं की सकते ना. आधा किलो उसको दे सकते ना, इसको 1 किलो का स्वाद है अल्टीमेट. अच्छा रद्दी जिन्नी ये सबसे हेल्थ कॉन्शियस है, इसने प्रोटीन शेक भी अपना पी लिया हुआ है. अच्छा सबसे खास बात है हमारी जिन्नी कुछ बोलती नहीं खाते हुए, वैसे इतना बोलती है. ये है हमारी भांजी, ये मेरी छोटी सी समायरा जो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है. फेमस हो रहे बड़ी कर रहे हो. फूड ब्लॉगर लग रहा हूँ मैं आज, फिटनेस ब्लॉगर के बजाय, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हो कभी देख रहे हो आलू, कभी देख रहे हो सरसों का साग. तो आप ये चीज़ें आप लोग खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में. बट ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी कैलोरिक इंटेक कितनी है. जैसे कि मेरे को पता है कि मैंने 550 कैलोरी से अबव नहीं खाई अभी. सो एक एस्टिमेट ही होता है ये. सो अगर आप लोग एक स्मार्ट डाइट करते हो सो आप लोग सब खा सकते हो, इवन आप मीठा भी खा सकते हो. अब हम लंच कर चुके हैं गेट फिट बाय साहिब के साथ, और मुझे अनफिट होने का बहुत शौक है, तो अब हमने गुलाब जामुन मंगा लिए. और गुलाब जामुन भी बड़ी फेमस जगह के हैं निहाल के पहाड़गंज, जो सिर्फ समोसे बनाता है या फिर गुलाब जामुन बनाता है. तो हमारी सासू माँ के बहुत फेवरेट. बर्फी बनाता है, बर्फी भी बनाता होगा, और हमारी सासू माँ कितने सालों से खिला रही है, तो आज हमने दोबारा खाए हैं. तो अब हमने डाल लिया है, एक बाइट तोड़ने लगे हैं. ये देखिए गुलाब जामुन मेरे मुँह में जा रहा है. आया मजा फिर ग्रेवी का? मैंने तो आपको पहली कढ़ाई में बोला है अल्टीमेट. गुलाब जामुन आपको निहाल के पहाड़गंज में ही मिलेंगे. वो अल्टीमेट आया नहीं था ना. अब दोबारा बोलो ब्यूटी. सो गुलाब जामुन वगैरह मैंने तो खाया नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा रहा हूँ. सो टुडे आई विल कंट्रोल नॉट टू ईट, बिकॉज ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बॉडी के अंदर. एंड जब ब्लोटिंग होती है तो मैं पागल हो जाता हूँ, बहुत कार्डियो करता हूँ मैं कि जब तक मेरे पैरों की जान ना निकल जाए तब तक. तो आज मैं कंट्रोल करूँगा. रोटी मैंने एज़ यूजुअल जैसे मैं खाता हूँ सो उसको मैंने कंपनसेट करके मक्की की रोटी सो मैंने वो खाई है. एंड आफ्टर ईटिंग दैट आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, बिकॉज मुझे बहुत सोरनेस है. कल मैंने बैक करी थी, मेरी लैट्स बहुत सोर हैं, एंड आज मैंने चेस्ट एंड ट्राइसेप का जो वर्कआउट करा है उससे मेरे ट्राइसेप के अंदर बहुत ज़्यादा सोरनेस है. सो मैं आपको मिलता हूँ ब्रेक के बाद. सो जीजा जी हमारे साथ हैं, और ये है ना हमें गंदी गंदी गालियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने उस गाली को रिकॉर्ड कर ही लिया फाइनली. हमने साग खा लिया, नींद आ रही है. लेट्स गो फॉर सी. गुलाब जामुन भी तो खाया. हाँ वो भी खाया. अब नींद आ रही है, चलो. मेरा फिटनेस चैनल के बजाय लग रहा है कि कोई इस चैनल का नाम हो जाएगा गेट अनफिट बाय साहिब. तो अब टाइम है इवनिंग मील का. ये वही बेसिल चिकन विदाउट बेसिल बन रहा है, क्योंकि बेसिल है नहीं अभी घर पे. इसके अंदर हम अनियन डालेंगे काफ़ी सारे, जिससे हमारा अच्छा पेट भरे. ये विदाउट ऑयल कुक हो रहा है बाय द वे. सो आपको बनने के बाद अब ये चिकन दिखाते हैं. सो गाइस मेरा चिकन हो चुका है रेडी. मेरा चिकन कुछ दिखता है ऐसे. एंड अब मैं खाऊँगा और अपनी मील को एंजॉय करूँगा. टिल देन आई विल सी यू लेटर. सो गाइज वी आर एट गलेरिया मार्केट नाउ. चिकन खाने के बाद मेरे को ये मेरे जीजा जी सीधा गलेरिया मार्केट ले आए हैं. तो कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यहाँ पे. तो वी आर हंग्री फॉर यू. सो जीजा जी आप iPhone 12 कब ले रहे हो? सून. अच्छा कितना सून? हमें भी लेके दे दो. कमिंग सून होती है मिथुन की पिक्चरें. हाँ हमें भी लेके दे दो. हाँ आपको भी ले देते हैं. लाओ फिर डेढ़ पेटी. जैसे आपका ब्लॉग हिट होएगा वहाँ से जो फंड्स आएंगे उसमें से ले लेना. 50% मेरा भी तो है इसमें. अच्छा चलो ठीक है. सो वी आर बैक इन दी कार एंड वी आर गोइंग होम. क्या ख्याल है आपका जीजा जी? कैसा लगा आपको आज का दिन अपना? इट्स वेरी टायरिंग टू वॉक विद गेट फिट बाय साहिब. रीजन इज दैट ही मेक्स अस वॉक टू मच. आज तो मैंने करी नहीं वॉक इतनी, बट स्टिल थोड़ी बहुत ही तो करी ली. 15-20 मिनट में हमने अपने जीजा जी को थका दिया, क्योंकि हमारी पेस थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी वॉक की. चलते फिरते जिम है जो मर्जी खा लो शाम तक डाइजेस्ट कराएंगे। कैलोरी बर्न का नो डाउट वो अचीवमेंट रहता ही रहता है लेवल में। एनीवेज इनके साथ दो चार दिन रहे तो लॉस हो जाएगा वेट, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ इनका रात को तो मुझे वेट लॉस नहीं करना है। सो फाइनली गाइज मैं घर बहुत पहले का आ चुका हूँ बट आई वॉज वेटिंग फॉर माई डिनर। अभी बज रहे हैं 8। सो अब खाएंगे हम बटर चिकन। ये कल का ही है, कल भी मैंने बटर चिकन ही खाया था एंड अगेन आज भी। सो ये था मेरा आज का दिन। अब मैं खाऊंगा अपनी रोटी के साथ बटर चिकन एंड ये मेरा डे का बेसिकली दिस इज माई लास्ट मील, दिस इज माई थर्ड मील। एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं सब कुछ ही खाता हूँ जो भी घर में बनता है। सो दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। आज का दिन बहुत अच्छा था। आई एन्जॉयड अ लॉट विद माई सिस्टर एंड माई जीजू एंड होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।